आज आपको फिर पुराने दो कलाकारों की याद करवाते हैं। एक थे बॉलीवुड के पुलिस अधिकारी इफ्तिखार अहमद और दूसरे वो अभिनेता जो अपनी अदाकारी से आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दिया करते थे, यानी उत्पल दत्त। दोनों ही कलाकार इतने महान थे कि उनकी मौत के सालों बाद भी लोग इनकी अदाकारी को भुला नहीं सके। दोनों की एक्टिंग ऐसी मानो फिल्म नहीं जिंदगी का कोई सीन चल रहा हो। मगर इतने महान कलाकारों के साथ क्या हुआ था कई लोगों को पता ही नहीं है। कैसे इनकी जिंदगी का दर्दनाक अंत हुआ था हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात इफ्तिखार अहमद की। आपने इस बेजोड़ अभिनेता को अक्सर फिल्मों में देखा होगा। वैसे यह गरीबों के रोल में तो शायद ही कभी दिखे हों। हमेशा किरदार सूटेड बूटेड बिजनेसमैन के मिलते या फिर पुलिस अधिकारी के। 50 का दौर हो या 60 का या फिर 70 का दशक, इफ्तिखार जैसा चरित्र अभिनेता तलाशे ना मिला करता। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि यह तो सिंगर बनने का सपना पाले बैठे थे, एक्टर तो बस इत्तेफाकन बन बैठे। जी हां, सैयद इफ्तिखार अहमद शरीफ 1920 को जालंधर में जन्मे खूब पैसे वाले परिवार में। अब्बा कानपुर में नौकरी करने लगे तो इनको भी साथ ले गए। इनका मन बस गीत संगीत में लगा करता। केएल सहगल को सुनते और उनके जैसे ही बनने के लिए 20 की उम्र में घर छोड़कर कलकत्ता रवाना हो गए। वहां HMV कंपनी में सिंगर कमल दास गुप्ता टकरा गए। उनसे मांगने गए थे कान्हा, मगर इफ्तिखार को देखते ही फिल्म में रोल दे दिया। वह फिल्म थी तकरार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। बस शुरुआत तो हो गई, मगर कलकत्ता से धक्के खाते हुए पहुंच गए बंबई। यहां भी छोटे मोटे किरदार कर रहे थे। अचानक अशोक कुमार ने 1950 में फिल्म दिलवा दी मुकद्दर। यहीं से डायरेक्टरों की नजर में चढ़ गए, जिससे वह फिल्म हाथ लग गई, जिसने पहली बार मशहूर कर दिया। वो थी राजेश खन्ना की इत्तेफाक। पुलिस अफसर का रोल पहली बार मिला और सुपरहिट हो गए। ऐसी जिंदगी बदली कि हर फिल्म बनाने वाला अगर पुलिस अफसर का रोल सोचता तो चेहरा इफ्तिखार का होता। 1966 में तीसरी मंजिल, 1966 में साजन, 1971 में ऐलान, 1971 में शर्मीली, 1972 में अपराध, 1973 में लोफर से लेकर डॉन और हादसा जैसी न जाने कितनी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर बने नजर आए। इतने मशहूर की काम की लाइन लगी रहती, न दौलत की कमी न शोहरत की। मगर इनका दर्दनाक अंत जिसने भी जाना वो हैरान हो गया। बात उस समय की है जब कोलकाता में धक्के खा रहे थे। पड़ोस में रहने वाली एक यहूदी कन्या हना जोसेफ से लव मैरिज कर ली। दो बेटियां हुई सलमा सईदा। मगर 1990 का मनहूस साल इनकी जिंदगी में आया। एक दिन छोटी बेटी सईदा की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल पहुंचे। वहां जो सच सामने आया वो जानकर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटी को कैंसर हो गया था जो पूरी बॉडी में फैल चुका था। इफ्तिखार सईदा से बहुत प्यार करते थे, वो पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। मगर इसके बाद भी शाहिदा की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। रोज बेटी को मौत की ओर जाते देख अवसाद में घिर गए, काम छोड़ दिया। 5 साल ऐसे ही गुजर गए, मगर बेटी की हालत बहुत दर्दनाक हो गई। साल 1995 में बेटी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बेटी की मौत ने ऐसा सदमा दिया कि इत्तेफाक की भी तबीयत बहुत बिगड़ गई। इतना कम हुआ कि 6 दिन बाद ही उनके पूरे शरीर को लकवा मार गया। इसके बाद हालत ऐसी बिगड़ी कि 1 महीने बाद 4 मार्च 1995 को इनकी जिंदगी का भी दर्दनाक अंत हो गया। दूसरा अभिनेता तो था जिसने 70 और 88 के दशक में अपनी अदाकारी से दर्शकों को हंसना सिखाया था। उत्पल दत्त बंगाल में 29 मार्च 1929 को पैदा हुआ। वो अभिनेता जो फिल्मों में किसी शौक से ना आया था, वो तो थिएटर किया करते थे, मगर पैसों की किल्लत होने लगी तो 1950 में हिंदी सिनेमा में चले आए। मगर आए तो ऐसे आए कि जब तक हिंदी सिनेमा रहेगा उत्पल दत्त को भुलाना नामुमकिन होगा। उनकी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाकर डायलॉग बोलने का अंदाज भला कौन भूल पाएगा। शिलांग से इंग्लिश लिटरेचर पढ़कर थिएटर और फिर फिल्मों में आने वाले उत्पल दत्त की कई फिल्मों ने उनको महान बना दिया। मगर इन फिल्मों की तो बात ही अलग थी। पहली तो थी 1979 में आई गोलमाल। राम प्रसाद बने अमोल पालेकर के बॉस बने भवानी शंकर यानी उत्पल दत्त।
क्या लाजवाब डायलॉग डिलीवरी, क्या गजब की कॉमिक टाइमिंग कभी दिखी ही नहीं। दूसरी, 1991 में आई नरम गरम अमोल पालेकर और उनके बूढ़े बॉस उत्पल दत्त, दोनों ही कुसुम को दिल दे बैठते हैं। ऐसा हास्य जो कभी दूसरी बार बन ही न सका। वहीं 1982 में आई शौकीन फिल्म अशोक कुमार, ए के हंगल और उत्पल दत्त का रति अग्निहोत्री पर दिल आना बड़ा मजेदार था। इसके अलावा 1982 में ही आई हमारी बहू अलका हो या 1983 में आई किसी से ना कहना, ऐसा बेजोड़ सिनेमा बस उत्पल दत्त ही दिखा सकते थे। मगर जो दुनिया में हंसी बिखेरा करता था, उसके साथ ऊपर वाले ने इतना बुरा क्यों कर डाला, समझ नहीं आता। एक्टिंग करते करते ही उनको वो बीमारी लग गई जो दुनिया में सबसे खराब बीमारियों में एक मानी जाती है। किडनी खराब होने की बीमारी बीमारी लगी तो इनका बुरा दौर शुरू हुआ। किडनी की गंभीर बीमारी झेलते हुए इनकी जिंदगी दवाओं के सहारे गुजरने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों किडनी खराब हो गई और बॉडी को डायलिसिस से साफ करवाना पड़ता। इसके बाद उनकी जिंदगी बहुत कष्ट में बिताने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब कोलकाता के अस्पताल में वो पूरी तरह डायलिसिस पर आ गए थे। बीमारी बढ़ती गई और उसने दिल को भी खराब कर दिया। 19 अगस्त 1993 का दिन था। इस महान अभिनेता को ऐसा खतरनाक हार्ट अटैक आया कि इनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको इफ्तिखार अहमद और उत्पल दत्त याद हैं या भूल गए? अगर याद हैं तो दोनों की कौन सी फिल्म या किरदार आपको सबसे अच्छा लगा था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।